नमस्ते। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और दासा हुकुम की प्रथम पुण्यतिथि पर मेरा सत्सत नमन। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, 16 जुलाई को दासा हुकुम की प्रथम पुण्यतिथि है और उसी दिन सर निर्मल गांवर फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट सावराद की नींव भी रखी जाएगी और नियमित प्रतियोगिता का आयोजन भी है। उसमें मेरा टॉपिक है कन्या भ्रूण हत्या। कन्या भ्रूण हत्या क्या है? कन्या भ्रूण हत्या माँ के गर्भ में पलते बच्चे की गैरकानूनी तरीके से लिंग परीक्षण करवाना और अगर शिशु लड़की है तो उसे घर में ही ख़त्म कर देने को कन्या भ्रूण हत्या कहते हैं। भारतीय समाज में अभी भी रूढ़िवादी प्रवृत्ति के लोग बच्चियों को सामाजिक और आर्थिक बोझ समझते हैं। वे मानते हैं कि उन्हें जन्म से पहले ही ख़त्म कर देना बेहतर होगा। कोई भी भविष्य में इसके नकारात्मक पहलू को नहीं समझते हैं और इसके चलते 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 943 है, जो कि पर्याप्त से भी बहुत कम है। इसका यही कारण है कि पुत्रों को परिवार की संपत्ति के रूप में देखा जाता है और पुत्रियों को सिर्फ जिम्मेदारी समझा जाता है। रूढ़िवादी प्रवृत्ति के लोग मानते हैं कि पुत्र ही वंश को जारी रखने का जारी रख सकता है और लड़की की शादी में दहेज के रूप में भारी कीमत चुकानी पड़ती है। वे मानते हैं कि केवल बेटा ही माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बन सकते हैं और इसके उपाय हैं कि चिकित्सा के लिए मजबूत नीति संबंधी नियमावली होनी चाहिए। दहेज प्रथा जैसी सामाजिक बुराई इसे निपटने के लिए महिलाओं के सशक्त होना होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना होगा। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और महिलाओं को सशक्तिकरण जिससे वह अपने अधिकार के प्रति सचेत हो सके। अतः मेरा कहना यह है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को कन्या भ्रूण हत्या का विरोध करके एक स्वच्छ समाज का निर्माण, स्वच्छ भारत के निर्माण में मदद करनी चाहिए, तभी सामाजिक बुराई से मुक्ति मिल सकती है।